हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बाइसेप्स का वर्कआउट दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, कि जो बॉडी बॉडी बिल्डिंग करते हैं बच्चे या मैन फिजिक करते हैं, तो मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ कि मतलब कि आज जैसे आकाश है मेरे साथ में, तो आज अब इसका वो ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टार्ट किया हुआ है मैंने, तो मैं आज ना आकाश के साथ आपको बाइसेप्स का वर्कआउट दिखा रहा हूँ। तो आप इसको देखो और इसको करोगे तो आपके साइज गेन होने में बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। अभी मैं ना पहले पहले स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, वो कंसंट्रेशन कर मैं हमारा क्या थोड़ा वार्म भी हो जाएगा बाइसेप्स का, उसके बाद फिर हमने हैवी वेट पे भी जाना है, तो पहले कंसंट्रेशन चला कर उसके चल। ठीक है, ये पोजीशन आपने रखनी है इसमें। ठीक है, बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट पे लेकर जाना, कि बॉडी ज्यादा मूवमेंट बॉडी की नहीं होनी चाहिए, खाली बाइसेप बाइसेप पे कंसंट्रेशन रहना चाहिए आपका। हाँ चल, बहुत अच्छे चल। इसके कम से कम है ना, अब थोड़ा वार्म पहला फर्स्ट सेट है, तो फर्स्ट सेट में इसमें क्या है, थोड़ा हल्के वेट से लो, थोड़ा बाइसेप को वार्म भी हो जाएगा, हाई वेट पे बाद में जाना हमने। चलो चेंज दूसरे हाथ से करो। चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसका मैंने अभी ये सेट दिखाया है, ऐसे आपने ना इसके 4 सेट लगाने हैं। ये मैंने एक ही सेट दिखाया है इसलिए, क्योंकि मैं अगर चारों सेट दिखाऊंगा आपको तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको मैन मैंने एक साइज दिखाता हूँ मैं। अब इसके बाद डम्बल का अलग साइज। चलो भाई, अभी मैं आपको डम्बल का अलग साइज, इसके बाद सेकेंड एक साइज ये वाली है, वो इसमें क्या है होना, पहले 12.5 के डम्बल से स्टार्ट करेंगे, फिर वो और आपने ना फिर हम इसको 20 20 तक लेके जाएंगे, 15 17.5 फिर 20 किलो। ठीक है, और एक चीज़ का और भी आपने ध्यान रखना है कि आप मतलब कि अब इसको देख के 20 का डम्बल नहीं उठाना, अपने बॉडी वेट के हिसाब से जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने वो उठाना है। मैं दिखाऊंगा अभी, आप ये देखना कि हम लास्ट का सेट लगाएंगे और ये सेट लगाएंगे तो हमें कौन सा कंफर्टेबल, कौन सा ज़्यादा हार्ड लग रहा है, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं। तो उस तरह से अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपने वेट उठाना है। चलो भाई लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने बॉडी मूवमेंट नहीं करनी है, ऐसे ऐसे आगे पीछे नहीं होना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 16 17 18 19 20। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, अभी ये देखो आप ये देख रहे हो कि ये डम्बल की मूवमेंट जो थी, चलो दोबारा उठा भाई, कि डम्बल की मूवमेंट थी, अब ये डम्बल की मूवमेंट ये करके और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने इसका शेड्यूल चलाया हुआ है, वो उसमें हमारी ये मूवमेंट है, तो आपने ना सीधा सीधा करना है। ठीक है, सीधा सीधा डम्बल करने कर सीधा कर सीधे सीधे करो स्ट्रेट। हाँ हाँ, ये वाला करना आपने। ठीक है, ये तो मेरे शेड्यूल था, इसलिए आज का वर्कआउट था, तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, तो आपने आपने बिल्कुल सीधा ही रखना है। अभी हमने 12.5 का डम्बल लगाया था, उसके बाद हमने है ना फिर हमने 15 किलो के लगाए हैं, फिर 17.5 किलो। ठीक है, अब हम भी 20 किलो के डम्बल लेंगे, क्योंकि 2 सेट मैंने बीच में आपको दिखा नहीं रहा, मैं वही मैंने बताया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये हमारा 4th सेट है इसका। चलो चलो, चल 1 2 3 4 5 6 7 चल चल 8 9 चल 10। अगली बार मैंने सीधे हाथ करा दिए, इसलिए कि आप ये भी देख सके इसमें भी मूवमेंट को आपको कैसे रखना है। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 last 24। रिलैक्स।
अब देखो इसमें है ना, हमने ये 24 रैप इसके लगाए हैं 20 के डम्बल के। तो अभी क्या था, ये लास्ट सेट हम ना 22.5 किलो का लगा सकते थे कि जिसमें मतलब कि हमारे मतलब कि ये 12 बार रैप नहीं लगते। उसमें क्या था कि हमारे 8-8 भी रैप आते ना, 7-7 भी आते तो भी बेस्ट था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दिखाता हूँ बारबल का। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बारबल का एक्सरसाइज। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने इसमें 10-10 किलो की प्लेटें डाल ली है, क्योंकि वो हमने क्या है कि अब इसमें क्या है, जैसे अभी इसके जब इसका जो लेवल है एक्सरसाइज करने का आकाश का जो है, तो उसमें क्या है ना, अब इसमें 5 की डाल लेंगे, फिर 7.5-10 करेंगे, क्योंकि इसने ना इसका ये अभी भी अभी 10-10 की प्लेटें और भी डालेंगे, बाद में हम वहाँ तक वेट लेके जाएंगे। तो इसके लिए मतलब कि पहले 10 की प्लेट से ही स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा। चलो भाई, चल 10 टैप लगा। 1, 2, 3, 4, चल चल, 5, 6, 7, 8, क्योंकि वार ऑफ तो हमारा पहले हो चुका है, हम वार ऑफ से ऊपर जा चुके हैं अब। ठीक है, ये नहीं कि अब बहुत हल्के वेट से दोबारा स्टार्ट करेंगे। हाँ बस रिलैक्स। अब इसके इसके 10 रैप हो गए। अब इसके बाद हम फिर है ना, अब इसमें अभी अभी हम इसके अगले अगले सेट पर 15 करेंगे, फिर 17.5 करेंगे, फिर 20 किलो तो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं पहले इसके 2 सेट अभी 5 की प्लेट डाल के, फिर 2.5 प्लेट डाल के अभी 2 सेट वो कराता हूँ, फिर लास्ट का सेट आपको दिखाता हूँ जब हम इसमें 10-10 की प्लेटें डालें। देखो अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये लास्ट वाला सेट है हमारा। हमारे 3 सेट हो गए, अब ये 4th सेट है, इसमें हमने 10-10 की प्लेट और डाल ली है। चलो भी लगाओ। चल 1, 2, 3, 4, 5, 6, सीधा रहना है, 7, चल चल एक और, 8, एक और लगा, चल चल चल, 9, चल 10, रिलैक्स। ऐसे जान निकल जाने चाहिए लास्ट सेट में। अभी जैसे अभी 8 रैप लगे ना, अब 2 में थोड़ी हल्की हेल्प लग गई, तो मतलब क्या है ना, अब भाई साहब पूरा पूरा इतना लोड आ गया हमारा कि मतलब कि भाई अब जैसे अब बताओ, साइज गेन करने के लिए आपको ना हाई वेट पे रहना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्री सर्कल, वो आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्री सर्कल एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये वाली है। इसमें इसका मैं आपको ना प्री सर्कल का एक ही साइड दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखो इसके इसमें कैसे मूवमेंट रखनी है आपने, और वेट तो आप देख ही रहे हो। चलो भाई, चलो चल 1, 2, 3, 4, पीछे से भी आपने बार बार आगे 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 नहीं भागना, बिल्कुल बाइसेप पे लोड रखना है। ठीक है, ऐसे पूरा मतलब कि ये है ना, चल चल 3 और लगा, 1, 2, एक और लगा, चल 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 लास्ट सेट है, चल चल 1 रैप और लास्ट आखिरी, बस रुक जा। चलो भाई सपोज लगा। अब देखो भाई सब पंप होने बाद ना बिल्कुल मतलब कैसे हो जाता है देखो। ठीक है, तो मतलब कि क्या है ना, रिलैक्स। तो अब ये तो मैंने आपको ना पहले कंसंट्रेशन, फिर डम्बल कर्ल एक्सरसाइज दिखाई है, उसके बाद बारबेल कर्ल और प्री सर्कल। ठीक है, इसके साथ ही हम ना फिर भाई सब की इसके साथ ही हम ना हैमर कर्ल भी लगाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हैमर कर्ल और दिखाता हूँ, उसको भी मैं एक ही साइड दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको मैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हैमर कर्ल। अब ये मैंने बताया था कि भाई सब की एक्सरसाइज के साथ फिर हम हैमर कर्ल करते हैं, ये फोर आर्म्स की एक्सरसाइज है। चलो भाई, चलो हाँ थोड़ा बैंड रखे को नहीं, हाँ थोड़ा वैसे रख ये, चल हाँ हाँ नीचे टच मत कर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चल चल इधर 5-5 हुए हैं, चल 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 12, 13, 14, 15,
16 डिलक्स, ठीक है ठीक है। अब मैंने आपको दिखाया था आज 2200 का वर्कआउट है, ठीक है। और एक तो ये वर्कआउट हो गया है और साथ में हैमर कल हम फोरआर्म्स के लिए करते हैं ये वाली एक्सरसाइज, इसके साथ हम ना वो रिस्कल वगैरह भी करते हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा एक दिन, ठीक